झेलम में एक सेवरेज का भी दरी ना मसला है पुराना मसला है नाइन्टी थ्री से यह मसला फेस कर रहे हैं नाइन्टी टू में सैलाब आया था उसके बाद वो पाइपलाइंस जैसे ख़राब हुई अब जेल्भ में ज़रा सी बारिश हो जाए खास करके जो जेलम का पुराना पुल है जहाँ से ट्रेन भी गुजरती है जहाँ पर बड़ा प्यारा सा लिखा है हंसदे आओ तो हंसते जाओ लेकिन डूब के जाओ और आपने वो एक दो वीडियोज भी देखी होंगी जिसमें बाइक वाला प्रॉपरली नाले के अंदर ड्रेन हो अंदर ही घुस गया तो आ, वहाँ पे पानी आ जाता है इसके ऊपर आज तक काम नहीं हो सका यानी कि कोई ऐसा हल सोल्यूशन निकला है कि पानी जरा सी बारिश होती है और अभी पिछले दिनों में तो आ, मरीम नवाज साहिबा का बोर्ड लगा हुआ था कि सैलाब की सूरत में इस नंबर पर कॉल करें और उसी बोर्ड के सामने टखनों तक पानी ना तो ये आ, पानी का मसला सर इसका इसके बारे में क्या तो, हुआ था, का तो है वो ग्राविटी के साथ डिज़ाइन हुआ है ठीक है तो वो यही है कि जी तमाम चीज़ें क्योंकि हायर ग्राउंड था और एवरी थिंग स्लोपिंग टुवर्ड्स जो है रिवर जेलम की तैनाल है आज से उन्होंने डेवलप किया उसकी डिसल्टिंग का प्रोसेस तो हमने स्टार्ट किया और हम इंश्योर कर रहे हैं कि जी ये सलमान पारस वाले साइड पर तमाम डिसल्टिंग कंडक्ट की जाए और रिसेंटली जब हमने की तो उससे बहुत सारा वाटर लेवल उसका डाउन भी हुआ है और बारिश जब कल परसों हुई है उसके अंदर इतने पानी के इश्यूज नहीं डेवलप हुए कि 24 घंटे तक पानी खड़ा रहे लेकिन साथ साथ जो है वो जब कूड़ा करकट हम फेंकते हैं और वह सारी चीज़ें ब्लॉक करती हैं नालों को तो वो उसको भी हमें देखना पड़ेगा उसके लिए सोसाइटी उस में लोगों की हमें हेल्प चाहिए कि उनको इतना अंदाज़ा हो कि कूड़ा कूड़े दान पर फेंके और ना के नालों को जो है अपना कूड़ा दान बनाएं क्योंकि प्लास्टिक बैग जो है उस पर बैन भी है और उसकी यूटिलाइजेशन जो है वो एक लिमिट तक रखें ताकि हम जैसे पुराने ज़मानों में रहते थे टोकरी डब्बे और कपड़े के लिफाफों के साथ अब भी वो हम काम कर सकते हैं इसमें कोई स्टेटस सिंबल नहीं एग्जिस्ट करता कि हम कपड़े का के हम शॉपिंग बैग पर शॉपिंग करके लाए हैं या हम कपड़े के लिफाफे में कुछ ब्रांड्स तो इसमें बड़ा खूबसूरत सिलसिला शुरू किया कि वो सीड्स वाले बैग बनाए गए अगर आप आपके पौधे आएंगे और पौधों से ही मुझे याद आया कि आपका फॉरेस्ट का जो डिपार्टमेंट है वो बहुत कोशिशें कर रहे हैं और हमारे साथ मिल वो एक प्लान भी कर रहे हैं कि हम चौदह अगस्त को लोगों में पौधे तकसीम कर सकें मैं आज इसी प्लेटफॉर्म के दशियत से आपसे भी इतम करना चाहूँगा कि आप भी इसका हिस्सा बनें